हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू मैथ सक्सेस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं आप लोगों को वैदिक मैथ्स की क्लासेस बेसिक से करवाऊंगी। तो आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बच्चों, पहले मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताऊंगी, फिर एडिशन की ट्रिक बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को एक साथ तीन ट्रिक बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सिंपल सिंपल है, और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि वो तीनों ट्रिक आप अच्छे से समझ सको। तो बच्चों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है, When two digit numbers start with the same digit and their last digit sum to 10, product of the two numbers can be easily computed. अब बच्चों, ये फर्स्ट ट्रिक क्या बोल रही है? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो और टू डिजिट का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, और दोनों के जो यूनिट प्लेस के डिजिट हैं उनका ऐड करने पर आपको 10 मिलता है, और जो 10th प्लेस के डिजिट है वो सेम है। कैसे? जैसे ये दोनों नंबर्स मैंने लिया, अब इसके जो 10th प्लेस का डिजिट है वो क्या है? सेम है। और ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, इसका सम करो कितना आएगा? 10। 3 + 7 कितना आएगा बच्चों? 10। और ये डिजिट क्या है? सेम है। तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। तो उस ट्रिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को वो ट्रिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट बच्चों देखो, ये सारे नंबर उसी पैटर्न के हैं। इसके सबके फर्स्ट डिजिट क्या है? सेम है। और इसके जो सेकंड डिजिट है उसको आप ऐड करो कितना आएगा? 10। 3 + 7 10। 4 + 6 10। 2 + 8 10। 7 + 3 10। तो इसको भी हम लोग उसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है बच्चों, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसमें आप 1 प्लस कर दो। 5 + 1 = 6 सो 5 × 6 कितना आ जाएगा? 30। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 3 कितना आ जाएगा? 21। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सेम बच्चों, यहां पर क्या लिखा है देखो, 6 लिखा है। तो 6 में 1 प्लस करो कितना आएगा? 7। तो क्या कर दो यहाँ? 6 × 7 कितना जाएगा? 42। वैसे ही ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा? 24। नेक्स्ट 92 × 98 9 में 1 प्लस करो बच्चों कितना जाएगा? 10। तो 9 × 10 90। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 2 16। तो बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बनाएंगे। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सेकंड ट्रिक। तो बच्चों, सेकंड ट्रिक जो है वो फर्स्ट ट्रिक का उल्टा। आपने फर्स्ट ट्रिक में क्या देखा था? जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या होते थे? सेम होते थे। और जो लास्ट डिजिट है उनका ऐड क्या होता था? 10। अब हम लोग देखेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट को ऐड करने पर 10 हो और जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो? 1 जैसे हो, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पर क्या है? 3 और 7 देखो, ये दोनों को ऐड करके 10 आ रहा है, और ये दोनों क्या है? सेम है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहले तो 3 × 7 कर देना है, कितना आएगा बच्चों? 21। उसमें क्या कर देना है? इसका जो सेकंड डिजिट है उसको ऐड कर देना है। तो 21 + 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 25। तो इसको हम लोग यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट, दूसरे डिजिट के लिए क्या कर देना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 4 कितना आ गया बच्चों? 16। तो ये आपका आंसर है। तो इसके लिए हमने क्या किया? ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें 4 ऐड कर दिया। 3 × 7 = 21 21 + 4 25 4 × 4 = 16 तो ये आप लोगों का आंसर है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, जिससे कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये सारी एग्जांपल देख लो, इसमें जो फर्स्ट टू डिजिट है उन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है? 10 आ रहा है। और जो इसके जो सेकंड डिजिट है वो क्या है? सेम है। तो चलो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कर देना है? फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो 4 × 6
जाएगा 24। अब उसमें जो ये सेकेंड डिजिट है उसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 29। तो यहां पर क्या आएगा 29। अब क्या कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। तो ये आप लोगों का आंसर है, ये ऐसे आया और 25 कैसे आया है 5 × 5 करने पर। क्लियर, सेकेंड में आते हैं। चलो अब क्या करना है, 8 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा 16। अब उसमें इस 4 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 20। तो इस 20 को यहां लिख दो बच्चों। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर है, 20 कैसे आया जब हम लोग ये स्टेप किए तो 20 आया, 16 कैसे आया 4 × 4। नेक्स्ट देखते हैं, सेम बच्चों 3 × 7 कर दो, कितना आ जाएगा 21। अब उसमें 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 29। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 29। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 कितना आ जाएगा 64। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों से ये सॉल्व हुआ कि नहीं। थर्ड ट्रिक में बच्चों हम लोग अब उन नंबर्स का मल्टीप्लाई देखेंगे जिसमें दोनों डिजिट सेम हो और वो एंड किस पर हो, 5 पर ही होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स में इसके दोनों डिजिट क्या है, सेम है। देख लो दोनों डिजिट क्या है, सेम है, और दोनों किस पर एंड हो रहे हैं, 5 पर एंड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें वही ट्रिक अप्लाई होगी जो आप लोगों को रूल 1 में मैंने अप्लाई करके दिखाई थी, जो फर्स्ट ट्रिक हम लोग यूज किए थे ना, वही ट्रिक इसमें यूज होगी। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कर दो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों 25। तो ये आप लोगों का आंसर है। 9 में 1 प्लस करो 10, तो 9 × 10 90, 5 × 5 25। तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आप बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हुआ, अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर करूंगी। और इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना जिससे ये ट्रिक आप लोगों को क्या है अच्छे से याद हो जाएगी। बच्चों अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप थोड़े दिन बाद इसे भूल जाओगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना और डेली इसे देखते रहना। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं, अच्छी अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए लाते रहूं। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर कुछ दिनों बाद आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।